प्यारे दोस्तों, टेक्नो गब्बर के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम आज का वीडियो शुरू करें, मैं बात करूंगा ललन की। दोस्तों, ललन की नौकरी एक एमएनसी में लगी थी, वो बहुत ही खुश था, मगर नौकरी के पहले दिन ही उसके साथ कुछ ऐसा हुआ। I need this presentation. Look, this meeting is very important for me. I can't lose this client. I have already sent you all the details, so please find them and get back to meeting room. Let's check the email's presentation and make her happy, so that she give me promotion soon. Oh God, where is that present of emails? I can't find it. Where were you? I was looking. You are still sitting here. Have you finished that presentation? I was looking for that email. It seems I have lost it among spam mails. You lost that email amongst don't know to organize your emails. Who hired you? I feel you right here. Get lost from my office. देखा ना दोस्तों, कैसे एक छोटी सी गलती की वजह से ललन को अपनी नौकरी खोनी पड़ी। बात सिर्फ ललन या उन जैसे लोगों की नहीं है, हमारी भी है। हम भी अपने इम्पोर्टेंट टाइम का कुछ हिस्सा ईमेल सर्च करने में बिताते हैं, या यूं कहूं जंक और स्पैम ईमेल्स के बीच इम्पोर्टेंट मेल्स को ढूंढने में बिताते हैं। पर क्या कोई ऐसा तरीका नहीं जिससे हम अपने ईमेल्स को स्मार्टली ऑर्गेनाइज कर सकें? तो आइए सीखते हैं अपने जीमेल को ऑर्गेनाइज करने का स्मार्ट तरीका और बनते हैं स्मार्ट। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी, 3.7 बिलियन अकाउंट और 269 बिलियन ट्रांजैक्शन के साथ ईमेल सबसे बड़ा कम्युनिकेशन सिस्टम है। मगर उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि इस कम्युनिकेशन सिस्टम का 49.7% ईमेल स्पैम यानी जंक मेल होता है। दोस्तों, तो आज हम जीमेल की ही बात करेंगे। इससे पहले कि हम जीमेल के इनबॉक्स को ऑर्गेनाइज करें, हमें जीमेल के इंटरफेस को समझना होगा। तो आइए हम और आप अपने जीमेल अकाउंट में लॉगिन करते हैं और जीमेल के इंटरफेस को समझते हैं। तो दोस्तों, अब हम अपने जीमेल अकाउंट में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए पहले मैं अपना आईडी लिखता हूँ। अब हम अपने पासवर्ड डाला। दोस्तों, अब हम अपने जीमेल अकाउंट में लॉगिन कर चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे जीमेल का डिफ़ॉल्ट इंटरफेस है। जीमेल का डिफ़ॉल्ट इंटरफेस तीन भाग में बटा हुआ है, प्राइमरी, सोशल और प्रमोशनल। प्राइमरी जो सेक्शन है उसमें सारे ईमेल्स आते हैं जो किसी अदर सेक्शन में फिट नहीं बैठते, यानी जो सोशल ईमेल नहीं है और जो प्रमोशनल ईमेल नहीं है। सोशल टैब में वो ईमेल आते हैं जो आपको सोशल नेटवर्किंग साइट से रिलेटेड ईमेल है, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या और भी सोशल साइट जिसे आप जुड़े हुए हैं। प्रमोशनल ईमेल में दोस्तों वैसे ईमेल आते हैं जो हमें प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए होते हैं, जैसे आपके बिल्डिंग प्रोडक्ट्स के या किसी और अदर तरह के प्रोडक्ट्स के। क्योंकि तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि कैसे हम इस डिफ़ॉल्ट इंटरफेस को भी अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इन तीन टैब के अलावा आप और भी टैब इसमें ऐड कर सकते हैं। उन टैब्स को ऐड करने के लिए हमें इस प्लस आइकन पर क्लिक करना होगा। तो हम प्लस आइकन पर क्लिक करते हैं। प्लस आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको ये पॉपअप बॉक्स मिलेगा। दोस्तों, जैसे कि इसके लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं कि प्राइमरी, सोशल और प्रमोशनल आइकन्स पे चेकमार्क किया हुआ है, यानी ये तीनों आइकन हमारे डिफ़ॉल्ट इंटरफेस में ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा गूगल हमें दो ऑप्शन और देता है, अपडेट्स और फोरम्स। अपडेट्स में वैसे ईमेल आते हैं जो आपको ऑटो जनरेटेड ईमेल्स होते हैं, जैसे आपको कोई कंफर्मेशन ईमेल है, कोई आपका रिसिप्ट है, बिल है या कोई बैंक स्टेटमेंट है, इस तरह की चीज़ें जो हैं अपडेट सेक्शन में जाती हैं। अगर आप फोरम सेक्शन की बात करें तो उसमें वैसे ईमेल्स आते हैं जिसे जो आपको किसी फोरम से आते हैं। अगर आप किसी ग्रुप में इंक्लूडेड हैं या किसी डिस्कशन बोर्ड में इंक्लूडेड हैं तो वो सारे ईमेल्स जो है वो आपको अपडेट और फोरम्स में आएंगे। तो हम अब चलिए अपडेट और फोरम्स पे के चेकबॉक्स पे भी चेक कर देते हैं और इसको सेव करते हैं, देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले मेरे इंटरफेस में मुझे तीन टैब्स दिख रहे थे, अब पाँच दिख रहे हैं।
तो और जीमेल ने इन पांचों टैब्स में मेरे मेल को अपने आप डिफरेंशिएट कर दिया है। आप जीमेल को ट्रेन भी कर सकते हैं दोस्तों कि आपके कौन से मेल इम्पॉर्टेंट हैं और कौन से इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, ये बात हम आगे बताएंगे, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखें। क्योंकि मैं किसी फोरम में इंक्लूडेड नहीं हूँ तो मेरा फोरम वाला टैब एम्प्टी है दोस्तों। पर दोस्तों इसके अलावा भी हम अपने ईमेल्स को फर्दर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं वो कैसे कर सकते हैं। पहले मैं इससे सेक्शन को डिफ़ॉल्ट सेक्शन में कर देता हूँ, यानी मैं तीन सेक्शन में ही करता हूँ जैसे पहले था। तो अब फर्दर कस्टमाइज़ करने के लिए हमें इस गियर आइकन पर क्लिक करना होगा, तो हम इस गियर आइकन पर क्लिक करते हैं। यहाँ आप एक ड्रॉप डाउन लिस्ट देख रहे हैं, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपको सेटिंग ऑप्शन में जाना होगा, तो हम सेटिंग्स पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं कि जीमेल का सेटिंग टैब खुल गया है। इसमें बहुत सारे टैब्स हैं, मगर आज हम जिस टैब पर काम करेंगे वो टैब है इनबॉक्स का टैब, तो हम इनबॉक्स के टैब पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि जीमेल आपके इनबॉक्स के सेटिंग्स को यहाँ दिखा रहा है, तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो है वो इनबॉक्स टाइप है। तो अभी हमारा इनबॉक्स टाइप डिफ़ॉल्ट है, इसलिए ये डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है। अब हम इस ड्रॉपडाउन मेन्यू को नीचे क्लिक करते हैं, तो यहाँ आप बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन है इम्पॉर्टेंट फर्स्ट, दूसरा ऑप्शन है अनरेड फर्स्ट, तीसरा है स्टार्ट फर्स्ट और चौथा है प्रायोरिटी इनबॉक्स। तो डिफ़ॉल्ट के अलावा हमें ये चार ऑप्शन मिलते हैं। तो दोस्तों अब हम एक एक करके इन ऑप्शंस को चेक करेंगे। अगर हम इनबॉक्स टाइप में इम्पॉर्टेंट फर्स्ट चूज़ करते हैं दोस्तों, तो जीमेल हमारे मेल को दो सेक्शन में डिवाइड करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इनबॉक्स सेक्शन, यहाँ हमें इम्पॉर्टेंट और एवरीथिंग एल्स का ऑप्शन आ रहा है, यानी आपने जीमेल को बताया है कि जो आपका इम्पॉर्टेंट मेल है वो आपके इम्पॉर्टेंट सेक्शन में जाए। इस वीडियो के अंत में बताएंगे कि आपको जीमेल को कैसे ट्रेन करना है, और एवरीथिंग एल्स जो है उसमें आपके बाकी अनइम्पॉर्टेंट मेल्स आपके हिसाब से जो हैं वो जाएंगे। दोस्तों सेकंड ऑप्शन है अनरेड फर्स्ट, यानी आपने जो मेल नहीं पढ़ा है गूगल उन मेल्स को सबसे पहले रखेगा और बाकी जितने भी मेल्स हैं आपके वो सेकेंड ऑप्शन में आएंगे। यानी आपके जो भी नए ई मेल्स होंगे वो सबसे टॉप पे आपको दिखाएगा और उसके बाद बाकी के जो ईमेल्स हैं वो उसके नीचे आएंगे। स्टार्ट फर्स्ट, दोस्तों इस ऑप्शन में आपके स्टार्ट मेल जो है वो सबसे पहले दिखाएंगे। दोस्तों स्टार्ट मेल जो है वो जीमेल का बहुत ही पावरफुल ऑप्शन है, हम इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपका स्टार्ट ईमेल वाला वीडियो छूट ना जाए। हमें सब्सक्राइब करने के लिए आपको राइट कॉर्नर में सब्सक्रिप्शन का बटन दिख रहा है, आप उस पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम समझते हैं स्टार मेल वैसे मेल है जो आप किसी आगे की चीज़ के लिए उसको स्टार मार्क करते हैं। हम अपने स्टार ईमेल वाले मेल में बताएंगे कि कैसे स्टार मार्क किया जाता है। तो वो कम्युनिकेशंस जीमेल आपको सबसे पहले दिखाएगा इस ऑप्शन में, और उसके बाद बाकी सारा कुछ दिखाएगा। दोस्तों जो जीमेल का सबसे पावरफुल इनबॉक्स कॉन्फ़िगर करने का या ऑर्गेनाइज करने का ऑप्शन है वो है प्रायोरिटी इनबॉक्स। इस ऑप्शन में आप अपने हिसाब से पूरे इनबॉक्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बाकी के तीन ऑप्शन जो हैं वो भी इसमें इसने इंक्लूड किए हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिखा रहा है आपको इम्पॉर्टेंट एंड अनरेड, यानी आपने जीमेल को बताया है कि जो मेल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और जो आपने नहीं पढ़ा है वो सारे ईमेल सबसे पहले जीमेल दिखाएगा। उसके बाद आपके स्टार्ड ऑप्शन दिखाएगा, यानी जो आपने इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन के लिए मेल रखा है। उसके बाद ये एम्प्टी का एक सेक्शन है जिसमें आप कोई सेक्शन ऐड कर सकते हैं। यहाँ ड्रॉपडाउन से आपको दिखा रहा है आप इम्पॉर्टेंट मेल्स इसमें ऐड कर सकते हैं, अनरेड मेल्स ऐड कर सकते हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो स्टार्ड मेल है आप वो ऑप्शन इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस सेक्शन में आप कोई भी अपना ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, और इसके बाद आपकी बाकी सारे जो भी जंक मेल है वो होंगे। तो आपने देखा दोस्तों कितनी आसानी से आप अपने इनबॉक्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आपको बहुत सारे फोल्डर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, या कुछ भी बहुत अजीबोगरीब करने की ज़रूरत नहीं है जिससे आप कन्फ्यूज्ड हो जाएं। तो इस सिंपल ट्रिक को यूज़ करके आप अपने ईमेल को बहुत अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और आप ललन की जैसे सिचुएशन में पड़ने से बच सकते हैं। अब बात आती है कि आप जीमेल को ट्रेन कैसे कर सकते हैं।
तो उससे पहले हम देखते हैं कि हमारा इनबॉक्स ऑर्गेनाइज हुआ है या नहीं हुआ है। तो अब हम सेव चेंजेस करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरा ईमेल जो है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो चुका है। इम्पॉर्टेंट एंड अनरेड सेक्शन सबसे ऊपर आ रहा है, मेरा स्टार्ट मैसेज उसके बाद आ रहा है और बाकी जितने भी मेल हैं उसके बाद आ रहा है। क्योंकि मेरे पास कोई ऐसे मेल नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ा है, इसलिए मेरा इम्पॉर्टेंट और अनरेड सेक्शन जो है वो एम्प्टी आ रहा है। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं कि जीमेल को कैसे ट्रेन कर सकते हैं कि कोई भी मेल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है या अनरेड है। दोस्तों जीमेल को ये बताने के लिए कि आपके लिए कोई भी मेल इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए आपको मार्कर्स का इस्तेमाल करना होगा। मार्कर्स क्या है दोस्तों? ये जो आप आइकन देख रहे हैं हर मेल के आगे, इसे मार्कर्स करते हैं। वैसे तो ये मार्कर्स इनेबल होता है। अगर आपके मेल में ये मार्कर्स का आइकन नहीं दिख रहा है तो उसे इनेबल कैसे करना है मैं आपको ये बताता हूँ। उसके लिए आपको सबसे पहले इस गियर आइकन को क्लिक करना होगा और फिर सेटिंग ऑप्शन में जाना होगा। हम फिर से इनपुट सेक्शन में जाएंगे और यहाँ आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंस मार्कर्स करके एक ऑप्शन आ रहा है। अगर यहाँ पे आपका डिफ़ॉल्ट ऑप्शन में नो मार्कर्स दिखा रहा है, इसका मतलब आपको मार्कर नहीं दिखाएगा। तो अगर आपको मार्कर देखना है तो उसके लिए आपको शो मार्कर का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो आपको जो मार्कर्स हैं वो दिखने लगेंगे। अब हम देखते हैं कि हम जीमेल को ट्रेन कैसे कर सकते हैं। अब जैसे मुझे ये अभिषेक कुमार का जी का जो मेल आया है उसे इम्पॉर्टेंट मेल बताना है, तो मैंने यहाँ मार्कर पे क्लिक कर दिया और ये अब इनके द्वारा जो भी ईमेल आएगा जीमेल उसे इम्पॉर्टेंट मेल समझेगा और उसे मेरे इम्पॉर्टेंट अनरेड मैसेज में डाल देगा। तो इस तरह से आप अपने जीमेल अकाउंट को अपने इम्पॉर्टेंट मेल्स के लिए ट्रेन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने किस ऑप्शन को चूज़ करके अपने जीमेल को ऑर्गेनाइज किया है। क्या आपने प्रायोरिटी ऑप्शन सेलेक्ट करके एक स्मार्ट यूज़र की तरह अपने जीमेल को ऑर्गेनाइज किया है या फिर कोई और ऑप्शन आपने चुना है? आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।